हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, अगर आप एक होम बेकर है और आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा। जो मैं कर रही हूँ वो आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, कभी कभी ना इतना ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है कि दिन रात एक करके बेकिंग करो फिर भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर कोई बुरा मानते हैं तो कोई रूठ जाते हैं। ऐसे ही मेरे 2 दिन बीत गए हैं, 9 और 10 तारीख को। 9 तारीख के दिन मैं 4 केक बना के डिफरेंट कस्टमर को दिया था और एक कस्टमर को मना करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पहले ही ये एंगेजमेंट का ऑर्डर था। ये देखिए, मैं रात को ही ये और एक केक को बेक कर रही हूँ। और ये जो ऑर्डर मुझे कैसे मिला था, ये जो एंगेजमेंट का ऑर्डर, मैं पिछले वीडियो में आप सबके साथ शेयर करी थी। आप वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। और ये केक बनाते टाइम और एक बड़ा ऑर्डर आ गया, जो था फास्ट बर्थडे केक। दोनों केक को बनाते बनाते खुद का बैंड बज गया। फ्रेंड्स, आज हम 2 टीयर का पाइनएप्पल केक 2 केजी में बनाएंगे। तो ये 2 किलो का पाइनएप्पल केक के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच के टिन में ये 2 बार बेक करके लिया हूँ टॉप लेयर केक को, और पास में जो केक क्रम कोट करके रखा हूँ वो बॉटम लेयर है। सेम प्रोसेस से उसको भी ऐसे ही फिलिंग्स दे के बनाई हूँ। और ये जो टॉप लेयर का केक स्पंज है, दोनों केक स्पंज को 3-3 लेयर में कट करके लिया हूँ। फिर चीनी पानी में थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रॉस मिक्स करके पाइनएप्पल सिरप बना के उसी में ये केक स्पंज को सोक कर रही हूँ। फिर क्रीम अप्लाई करके पाइनएप्पल क्रॉस ऐड की, देन सारे लेयर्स को सेम प्रोसेस में देके केक की क्रम कोट करके आधे घंटे के लिए डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए रखा था। फ्रेंड्स, ये जो 2 टीयर का पाइनएप्पल केक आज हम बना रहे हैं, ये ऑर्डर मुझे 6-7 दिन पहले ही मिला था। 10 तारीख को ये केक चाहिए था, फिर भी मैं 9 तारीख की रात में बना रही हूँ, क्योंकि इतना ऑर्डर डेली रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलता एडवांस ऑर्डर बनाने को। ये केक बनाते टाइम मैं फास्ट बर्थडे का जो केक है वो भी बेक कर रही थी, क्योंकि दोनों केक सेम टाइम पे जाएगा। उसके साथ ये केक जहाँ पर जाएगा वहाँ पे मैं इनवाइट भी हूँ, लेकिन ज़्यादा ऑर्डर के कारण मैं वहाँ पर नहीं जा पाई, इसलिए वो रूठ गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक होम बेकर का कोई टाइम नहीं है, जो जिस वक्त आते हैं बस केक बना के देना है, चाहे वो दिन हो या रात। फ्रेंड्स, ये 2 केक बनाते बनाते मेरी पूरी रात गुजर गई। बर्थडे केक के लिए मैं मना कर दिया था, क्योंकि 9 तारीख के दोपहर को मुझे कॉल आया था एक अननोन नंबर से कि जो 10 तारीख को केक चाहिए। फिर दोपहर को मैं उस दिन ऑलरेडी 4 केक बना रही थी, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल पे लाऊंगी। और ऊपर से ये केक भी था, इसलिए कस्टमर को ना करी थी। फिर वो शाम को कॉल करके रिक्वेस्ट किए, तो फिर ऑर्डर मैं जो फर्स्ट बर्थडे का ऑर्डर ले लिया। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो में वो केक का बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ घर बैठने से कोई ऑर्डर नहीं देगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके आपको ऑर्डर मिलेगा। मैं वो ऑर्डर लेके बहुत ही हैप्पी हो गई, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिला मुझे वो केक में से, और बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा, लेकिन वो जो अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिला, उसके साथ बहुत अच्छा रिव्यू भी मिला, बहुत अच्छे कस्टमर भी थे। और वो कस्टमर मुझे कैसे मिले, वो सारे बात आप सबके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, दोनों लेयर की केक को फाइनलाइजिंग कर लिया। ये केक हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर जाएगा, इसलिए ये जो बॉटम लेयर के बीच
पेपर स्टिक ना देके ये बाम्बू स्टिक देके इसके ऊपर टॉप लेयर को शिफ्ट करेंगे। ये जो केक का कस्टमर है वो सिर्फ फ्लेवर बताए थे कि पाइनएप्पल केक टू टीयर में चाहिए, डिजाइन कुछ डिमांड नहीं था उनका, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल सा डिजाइन इसमें बनाई हूँ। फ्रेंड्स मुझे भी ना पहले पहले इतना ऑर्डर मिलता नहीं था, बहुत सारे ट्रिक्स आजमाई थी ऑर्डर के लिए, वो सारे ट्रिक्स मैं इस चैनल पे शेयर किया हूँ, लेकिन उस ट्रिक से एक ट्रिक बहुत ज़्यादा काम कर गया जिसके कारण मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिलता है और वो भी सिर्फ बड़े बड़े ऑर्डर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर वो ट्रिक जरूर बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स कुछ दिन पहले ना मैं एक वीडियो आप सबके साथ मेरी इस चैनल पे शेयर करी थी जिसमें था अन्य कस्टमर से आप कैसे केक का ऑर्डर लोगे, कैसे ऑर्डर आपको मिलेगा अनजान कस्टमर से। उस वीडियो में मैं बताई थी वेन्यू के बारे में, आपके आसपास की वेन्यू में आप कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट लगाओगे, आप अपने जो होम बेकरी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपने बनाए हुए केक पिक्चर रख के पेपर में प्रिंट कर लीजिए और अपने आसपास की वेन्यू पर लगा लीजिए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, मैं वो वीडियो का लिंक दिया हूँ, जाकर देखिए, वो वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपको डेली बड़ा ऑर्डर चाहिए तो। ट्रिक को जरूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स मैं भी ऐसे ही करी थी, जो फास्ट बर्थडे का ऑर्डर मुझे मिला मैं उनको ना जानती हूँ ना ही पहचानती हूँ और ना ही कोई दूर दूर का रिलेशन है, बिना कोई जान पहचान के ये ऑर्डर मुझे मिला। वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, कस्टमर रिव्यू और जो पार्टी का पिक्चर, मेरे केक पिक्चर और प्राइस के साथ, वो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम के कारण मैं सोची कि ये जो केक डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक से बनाऊंगी, इसलिए मैं ये जो रेड रोज लेकर ये केक का डिज़ाइन बनाई हूँ। हमारे यहाँ ना रेड रोज हमेशा मिलता नहीं है, रात को हस्बैंड गए थे फूल लाने को, लेकिन वो जो फूल वाले के पास नहीं था रेड रोज, वो बोले थे कि सुबह आकर ले लीजिएगा, तो जब सुबह गए थे तो 6 रेड रोज उनके पास नहीं था, 4 ही दिए। और ये 2 फ्लावर जो मैं लगाई हूँ ग्रास जैसा, उसका नाम मुझे पता नहीं है, ये 4 रोज भी मुरझा गया था, उसको जैसे तैसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख के ये डिजाइन बना ली। केक के ऊपर लगाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगा, ये डिजाइन इजी रहेगा, इसलिए ये केक बना ली। आप भी ऐसे ही ट्राई करिए और यहाँ पर थोड़ा सा जो सिल्वर लस्टर डस्ट है वो स्प्रे कर ली शाइनिंग के लिए, और गोल्डन कलर का लस्टर डस्ट में इवापोरेक्स ऐड करके ब्रश की हेल्प से ऐसे केक की साइड साइड में एक बॉर्डर लगा ली, और गोल्डन कलर की स्प्रिंकल से ये मैं केक के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल स्प्रेड कर ली। और ये एंगेजमेंट का टैग था, लेकिन कस्टमर को वो नहीं चाहिए था क्योंकि वो ब्लैक है, इसलिए मैं ऐसे अल्फाबेट्स में ये केक के ऊपर कस्टमर के नेम को लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स ये केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसको हम पैकिंग करते हैं। पार्टी में जाने के लिए मैं एक ही बॉक्स में ऐसे पैकिंग करती हूँ। ऐसे पैकिंग करने से थोड़ी सी बचत के साथ हमारे केक की डिजाइन को देखने की हर किसी को चांस मिलता है, क्योंकि थोड़ी ना हर कोई केक कट होने तक पार्टी में रहता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ऐसे बॉक्स को दोनों साइड में ऐसे स्टैपलिंग करके फिर क्लिंग रैपर लेकर इसके फ्रंट और साइड में कवर कर लिया। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आया है, अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताइएगा आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।